सवेरे ठीक है नहीं फिर पता रहेगा इनको आइसक्रीम कैसे खाते हैं। खाने खाने पे लिखा है, दाने दाने पे लिखा है। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना व्हाट्सएप द आउटिंग ब्लॉग से, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो मैंने सोचा कि बोर हो रहा हूं, कुछ प्लान किया जाए घूमने का। तो आगे का प्लान कुछ इस तरह से है यार। आज घूमने का मन कर रहा है, कहाँ का प्लान बनाए? बंगला साहब कैसा रहेगा? बंगला साहब चलते हैं, फोन मार दे हम डिम्पल को। बस ठीक है भाई, नहा के आ गया मैं। फाइनली रेडी, अब हम निकल रहे हैं गुरुद्वारे के लिए। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं गाड़ी में, अब हम निकल रहे हैं। जाम बहुत है दिल्ली में इस टाइम, बहुत ज्यादा जाम है। अभी फिलहाल हम दिल्ली के फ्लाईओवर से पहले हैं, चल रहे हैं। नाइट ड्राइव का मजा ही अलग है। चल रहे हैं अभी हम धीरे धीरे। सो दोस्तों, अभी हम दिल्ली कैंट पहुंच चुके हैं और वैसे ही मूड बन गया घूमने का, तो सोचा क्यों ना चला जाए। फोन मारा भाइयों को, भाई कह रहे हैं आ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार घूमते फिरते रहना चाहिए, अपना मूड थोड़ा है सेट रहता है और बंदा गलत चीजों की तरफ नहीं भागता है। आप अगर घूमते फिरते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे, तो आप बहुत अच्छे रहेंगे, स्वस्थ भी रहेगा आपका शरीर, आपका माइंड भी सेट रहेगा। कुछ बताना चाहेंगे आप दोस्तों को? बस यही बताना चाहेंगे जी, जहाँ भी जाओ मिल के जाओ, नए नए लोगों से मिलो, है ना, नए लोगों से अपना माइंड सेट रहता है, कुछ नया ज्ञान मिलता है, हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमें, है ना। और जहाँ भी जाओ सेफली जाओ, सेफली जाओ, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात कही भाई ने कि सावधानी हमेशा जरूर बरतो। नई नई जगह जाओ, वहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त करो, जिंदगी का हर मोड़ हमें कुछ ना कुछ सिखाता है ना। दिल्ली में स्पीड सिर्फ 50 की है, आप लोगों को अगर ना पता होता मैं बता दूं, जो दिल्ली में आते हैं बाहर से, स्पीड सिर्फ 50 की है और कैमरे हर जगह लग चुके हैं, इसीलिए कृपया करके सावधानी बरते हैं। स्लो स्लो जगह लगे कैमरे पूरे दिल्ली में लगे हैं, तो आप लोग 40 से 50 की स्पीड में रखें। द्वारका में आते सेक्टर 1 में लगे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से ड्राइव करना, स्लो करना, बेल्ट लगा के रखना, मास्क लगा के रखना, फिर कोई इशू नहीं है। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हमेशा पीछे रखना, वो भी आ जाता है, कैमरा कैप्चर कर लेता है। गहरा मूर्ति आ गया यहाँ पे, सबसे आगे गांधी जी हमारे, देख देख सकते हैं आप, हमारे बापू जी सबसे आगे, बापू जी है, बापू जी की राह चलते 10 जने। और हम लोग अभी गुरुद्वारे के अंदर एंटर कर चुके हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं। अभी पहले सबसे पहले हम पार्किंग स्लिप लेंगे। 2 घंटे से अधिक समय के लिए गाड़ी खड़ी करने पर 200 रुपए और 5 घंटे के बाद 500 रुपए। स्लिप ले लिया हमने, अब हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे यहाँ पे। ये गुरुद्वारा बंगला साहिब की पार्किंग है, देखिए कितना अच्छा सिस्टम है यहाँ पर। अभी हमने गाड़ी पार्क की और हम चल रहे हैं ऊपर दरबार साहब की तरफ। एक मिनट की आ जाओ भाई, सारे आ जाओ। काफी अच्छा लग रहा है यार, काफी अच्छी फील आ रही है। एक लुक यहाँ से गुरुद्वारा एंट्रेंस की। बाबा के दरबार आ चुके हम, बस अभी हम एंट्री करेंगे अंदर। ये मेरे साथ विवेक है, डाउनलोड कर रहे हैं।
और ये जूता घर है, यहाँ पर हम जूते अपने जमा करवाएंगे। घर में आ चुके हैं, अभी हम जूते जमा करवाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, आप देख सकते हैं, फाइनली जूते जमा करवा दिए, अब हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। कोरोना के चलते कुछ नियम्स बदल दिए गए हैं यहाँ पर। ये जो पैर से दबाने वाला है, इससे आपका पानी आता है यहाँ पर। ये देखिए, अब हैंड वॉश करो, हैंड वॉश कर लो भाई, हाथ मुंह पैर सब धोकर के अंदर जाते हैं, बिल्कुल स्वच्छ होकर, बिल्कुल साफ। ये देखिए, यहाँ पर सैनिटाइज की सुविधा भी दी गई है, वाओ। यहाँ से आगे प्रसाद ले सकते हैं आप लाइन में लगकर। चलिए, हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है, प्रसाद ले लिया है, अब हम चल रहे हैं अंदर। यहाँ से प्रसाद मिलता है, यहाँ पे लंगर होता है। कोई नहीं, यहाँ से हम एग्जिट लेंगे। अरे, डिंपल टॉफी मांग रहा है यहाँ पे, जूते के साथ साथ टॉफी मांग रहा है, ये कह रहा टॉफी दो। सो फाइनली गाइस, हम लोग दरबार साहब से वापसी आ चुके हैं बाहर की तरफ, और हम अभी पार्किंग की तरफ चल रहे हैं। तो बहुत मजा आया, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। कैसा रहा भाई? बहुत अच्छा रहा, आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा भाई। आप लोग भी एक बार जरूर आओ। अमावस वाले दिन मोहित भाई ने हमें बाबा जी के दर्शन करवाए, तो उनका बहुत थैंकफुल है, बहुत ज्यादा भाई। बिल्कुल एंड है यहाँ पर आके की, मतलब फीलिंग जिसे कहते हैं ना, वो है। आप एक बार जरूर आओ यहाँ पे दिल्ली, जब भी आओ तो बंगला साहब जरूर आना, ठीक है? बंगला साहब बहुत जगह है, मेरा फेवरेट प्लेस कह सकते हैं हम, फेवरेट प्लेस। और बाकी और बहुत जगह है यार, बट ये जो बाबा जी का घर है बिल्कुल एंड, बिल्कुल इससे ऊपर कुछ नहीं है, नहीं है ना विवेक? क्या कहता है भाई आज के बारे में, आ रहा मजा? बहुत, ये ऐसे ही करता है बस, ये नहीं बताता कुछ, ये सिर्फ फील ले जाता है, किसी को नहीं बताता ये। अभी हम लोग चल रहे हैं पार्किंग की तरफ, और गाड़ी हमारी पता नहीं कहाँ खड़ी है, ढूंढनी पड़ेगी। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। सो फाइनली गाइस, हम लोग बाहर आ चुके हैं अभी पार्किंग में, जस्ट गुरुद्वारा साहिब से बाहर आए हैं और गाड़ी में आकर बैठे हैं। अभी हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि यहां आना मत भूलना, गुरुद्वारा बंगला साहिब में आप आना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ जो आ गया, मैं कह रहा हूँ दोबारा यही आएगा। क्या कहते हो डिंपल भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल फैक्ट है, फैक्ट है। मैं कह रहा हूँ आप लोग आओ, फैमिली को लेके आओ, और आओ बाबा जी के दर्शन करो, बैठो यहाँ, दिल को तसल्ली सुकून मिलता है एक। कि दिल्ली में जब आप जैसे एंट्रेंस करोगे तो सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब आते हैं, हमारे बाबा जी का घर, तो वहां पर मत्था टेको, उसके बाद दिल्ली स्टार्ट करो। आपको पता चल जाएगा दिल्ली किस लिए जानी जाती है, क्यों भाई? फेमस है, किस लिए फेमस है दिल्ली? बिल्कुल भाई, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। यहाँ पे हम इनको स्लिप देंगे, अगर हमारे 2 घंटे से ऊपर हुए हैं तो हमारे 200 रुपए लगेंगे, पर हमारे 2 घंटे से ऊपर हुए नहीं है। एग्जिट कर चुके हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब से।
अभी हम सुलभ के जस्ट सामने महावीर क्लब में रुके हैं, दार्जिलिंग मोमोस देखते हैं भाई के मोमोस कैसे हैं, अभी खाते हैं फिर आपको बताते हैं। और ये हम यहाँ पे दार्जिलिंग मोमोस मोमोस खा रहे हैं। वेज मोमोस क्या टेस्ट है, ये दार्जिलिंग मोमोस है सुलभ इंटरनेशनल के बिल्कुल सामने। हाँ भाई कैसे हैं मोमोस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वाद आ गया। ए वाई नॉन वेज खा रहा है। कैसे हैं भाई तेरे? एक नंबर तो अच्छे रहेंगे। बढ़िया मोमोस है भाई साहब, मज़ा आ रहा है। जितना मर्जी दे दो सब हजम है भाई। कैसा फील है आइसक्रीम का? मैं आइसक्रीम खाने का नहीं पूछ रहा हूँ। अभी मजा आ रहा है, सुबह पता नहीं छीके कितने आएंगी। सुबह छीके रहेंगे फिर बता रहे हैं। पर काम पे जरूर था मैं, नौकरी जरूर करनी है। तो ये डिंपल भाई हमारा उनसे बिछड़ रहा है। अच्छा भाई साहब चलते हैं। ओके भाई, ओके, कैसा रहा? ठीक है भाई, थैंक यू। मजा आया आपको हमारे साथ? बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा। डिंपल को विदा कर रहे हैं, ठीक है भाई। ओके डिंपल, ओके ओके भाई, ओके। चलो विवेक जी, आपका भी उतरने का टाइम आ गया। ओके बाय। हमने विवेक को विदा कर दिया है यहाँ से, अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। सो गाइस, कैसी लगी आप सबको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आपको कोई भी गलती लगती है तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं, मैं अगली बार से उसको सुधार करने की कोशिश जरूर करूंगा। बाय, टेक केयर।